हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज अपन बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड के बारे में, यानी कि जो भी आप जहां भी काम कर रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस पर आप जो काम कर रहे हैं, वहां से मिले हुए नुकसान, हैजार्ड यानी खतरा मिलना, जो भी हार्म हो रहा है आपकी हेल्थ पे, वर्क प्लेस पे काम करते दौरान, उसे बोला गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, इससे पहले हमने हैजार्ड्स की भी बात की थी, वर्क प्लेस हैजार्ड की। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड, क्योंकि इसमें ये बताया गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में बताया गया था कि आपके काम करते वक्त आपकी हेल्थ के बारे में, हैजार्ड में बताया गया वर्क प्लेस पर होने वाले कॉमन हैजार्ड कौन से हैं। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड में ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके के कौन से काम करते हैं जिनकी वजह से आपको और आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड को ऑक्यूपेशनल डिसीज़ भी कहा जाता है। क्यों होती है ये? जो भी आपके वर्क प्लेस पर स्पेसिफिक हैजार्ड हैं, उनके एक्सपोजर में आने से, यानी कि संपर्क में आने से होने वाली जो नुकसान होते हैं, उसे बोला गया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। समझे क्या हुआ इसमें? जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पर, वहाँ के होने वाले जो नुकसान हैं, खतरा है, उनके संपर्क में आप रेगुलरली आ रहे हैं और वो डिसीज़ आपको वहाँ से मिल रही है, तो उसको बोला गया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है। अब जैसे कि आप मान लीजिए किसी मैकेनिकल हैजार्ड की मैं बात करूँ, तो उसमें क्या हुआ, आप किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं, अब उस मशीन पर आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब उस मशीन में से क्या है, नॉइज़ ज़्यादा निकल रहा है और वाइब्रेशंस भी हैं उसमें, आप उसी के पास में खड़े होकर वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसी मशीन है वो जिसमें आपको कुछ सामान एक से दूसरी जगह लगाना है, हटाना है, तो उस पर तो आपको खड़े रह के काम करना पड़ेगा ना, तो वहाँ आप काम कर रहे हैं, अब उसके नॉइज़ के एक्सपोज़र में आप रोज़ आ रहे हैं, नॉइज़ जो है उसका आप रोज़ आप सुन रहे हैं और जो वाइब्रेशन है वो भी आप ले रहे हैं, तो इससे होने वाले जो डिसीज़ है नॉइज़ से क्या हुआ, आपको सुनने में आपके कानों में प्रॉब्लम आएगी और वाइब्रेशन से भी आपकी बॉडी जो वाइब्रेशंस लेती हैं उसकी वजह से जो होने वाली डिसीज़ है उसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल डिसीज़। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ऐसी होती हैं वर्क प्लेस पर जिनकी वजह से हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके के पांच टाइप के हैजार्ड हैं जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो ये पांच हैजार्ड होते हैं एक वर्क प्लेस पे, कॉमन हैजार्ड जो कि कहा जाता है जिन्हें, ये कॉमन हैजार्ड रहते हैं वर्क प्लेस के, जो कि आपके वर्क प्लेस पे देखने को आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मैकेनिकल हैजार्ड वो जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके का हैजार्ड जिस भी आप मशीनरी पर वर्क कर रहे हैं, फिज़िकल हैजार्ड यानी आपकी बॉडी को होने वाले हार्म उनके बारे में बताया, केमिकल हैजार्ड किसी केमिकल के संपर्क में आने से होने वाला हैजार्ड। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैजार्ड रहते हैं जिनकी जिनको कि बताया गया है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर, पर ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, कॉमन हैजार्ड है जो हर वर्कप्लेस पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के देखिए स्पेसिफिक हैजार्ड जो रहते हैं फिज़िकल में, जैसे कि डोर, स्टेयर्स, प्लेटफॉर्म, लैडर, इन सब पे वर्क करने वाले जो हैजार्ड होते हैं उनके बारे में बताया गया है। मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल वर्क, मशीनरी वर्क, इक्विपमेंट, और केमिकल में बताया केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड, क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, मतलब किसी केमिकल के अगर आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसी केमिकल के आप कॉन्टैक्ट में आए, आपने प्रॉपर पीपी वेयर नहीं किया है, आप रेगुलरली वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको उससे नुकसान हो। ऐसी कई सारी बीमारियां जो होती हैं जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कहलाती हैं। ठीक है, जो आपको वर्क प्लेस से मिलती हैं रेगुलरली उसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से आपको मिलती हैं। तो अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन रखें, ऐसे हज़ार्ड से बचने के लिए SOPs मेंटेन करें, तो आप बहुत हद तक ऐसी जगह से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है वो आपके वर्क प्लेस से ही आपको मिल रही हैं, तो वर्क प्लेस पे ही अगर आप सेफ्टी मेंटेन रखेंगे तो शायद ही आप इन सारी चीज़ों से खुद को बचा सकें, क्योंकि वर्क प्लेस से मिलने वाले जो हैजार्ड हैं वो एक डिसीज़ का रूप ले लें इससे पहले कि आप उनके लिए कुछ कर सकें, अपना काम जो है वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ करें, तो आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। अब अगर मैं ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की बात करूँ, तो इस तरीके की ऑक्यूपेशनल डिसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स आपको ये मिल सकती हैं। ठीक है, फ्रैक्चर, आई लॉसेस इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिक इलनेस आपको वहाँ से हो सकती है। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काम ज़्यादा काम करने से जो थकावट रहती है, जैसे कि फटीग बोला जाता है, उस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो क्या है ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? आपके वर्क प्लेस से आ रही हैं, ऑक्यूपेशन से आ रही हैं। तो इसमें आपको क्या है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे से करें, सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि हेल्थ है तभी आप कुछ कर पाएंगे आगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपके रेगुलर वर्क हैं इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम को आप सेफ्टी से करें। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, और कोशिश करें कि इतने सेफ्टी से करें उसे कि वो जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज़ का रूप ना ले पाए, क्योंकि वो डिसीज़ अगर आपको होती है तो उसमें आपको दोनों चीज़ का हार्म होगा, हेल्थ वेल्थ दोनों से हार्म होगा। तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी काम कर रहे हो उसके लिए जो प्रॉपर SOP बनाई गई हैं, ठीक है, उसको फॉलो करो। अगर आप SOP के फॉलो करके काम करते हो तो बहुत हद तक आप खुद को सेफ कर सकते हो, क्योंकि अब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, वर्क प्लेस है, यहाँ तो आपको जाना ही है, रोज़ जाना है, हर रोज़ जाना है, सारे काम आपको करने ही हैं। तो अब जब करने ही हैं तो सेफ्टी से करके खुद को बचा के अगर हम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, कि जिससे कि हमें भी नुकसान ना हो और हमारा काम भी फिनिश हो। ठीक है, तो यही आज ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके खतरे आप फेस कर सकते हैं एक वर्क प्लेस पे अपने हेल्थ को लेके, किस तरीके के इश्यूज़ आ सकते हैं जिनको कि आप मेंटेन खुद भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है वो डिसीज़ होने से पहले आप खुद ही मेंटेन कर लें। ठीक है, तो आज मैंने ये आपको उसके बारे में बताया, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड अलग एक टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक अलग टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड एक ये टॉपिक है। इन तीनों को अगर मिक्स करें तो ऑल ओवर आपका ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड, हैजार्ड से रिलेटेड पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है यहाँ पे। सो थैंक यू, ये मैंने आज आपको बताया।